अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार दो रेसिपीज़ हैं, एक हम बनाएंगे आज फिलिपिनो रेसिपी, अडोबो विंग्स, चिकन विंग्स हम बनाएंगे फिलिपिनो स्टाइल, और देखिएगा किस तरह मैं बनाऊंगी। ठीक है, हम यूज़ करेंगे उसमें डिपिट का सोया सॉस, और पहले हम बनाएंगे मीठा जो कि हमेशा हमारे शो पे होता है, एप्पल स्टैक केक। अब इस केक को आप 2-3 दिन पहले भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसको बना के आप इसको स्टैक अप करके फ्रिज में रखिए। जितना ज़्यादा आप रखेंगे इसको फ्रिज में, ठंडा करेंगे, चिल करेंगे, और मज़ीद मज़ेदार इसके स्पंज में पूरा इसका सॉस जाएगा। मैं तो आपको फौरन बना के छोटा सा एक केक दिखा दूंगी, ठीक है। आप लोग इसको बना के स्टैक्स में बना के आप उसको रख सकते हैं, ओके। और उसको हम टॉप करेंगे नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड के साथ। अच्छा जी, आज हमारे शो पे बहुत सारी चीज़ें हैं टू गिव अवे। देखें, पहले हमेशा किताब होती थी, लेकिन अब एप्लीकेशन है, वाउच 365, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, एबटाबाद, बहावलपुर एंड हैदराबाद एज वेल। तो अगर आपको जीतना है, ये हम दे रहे हैं वाउच 365 के एप्लीकेशंस। उसके अलावा हम दे रहे हैं डीलक्स केटल एनिक्स की तरफ से, और अफसाने जो मैंने कुर्ता पहना है, वो पूरा हफ्ता मैंने आपको कहा था हम आपको गिवअवेज देंगे, तो अफसाने के भी 3 कुर्तियाँ हैं, ठीक है। तो अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू आज, तो आपने मुझे बताना है क्या पूछूँ मैं सवाल, मैं सवाल क्या पूछने वाली थी, मैं खुद ही भूल गई, ये मेरा हाल है देखें। अच्छा, सवाल हम ये पूछते हैं कि आप चिकन विंग्स से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, किस तरह आप चिकन विंग्स बना सकते हैं, 2-3 तरीके बता दीजिएगा चिकन विंग्स बनाने के, ठीक है। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और हमें SMS करिएगा 8881 पे, यानी कि फ़ोन से SMS करिएगा, हमें लिखिएगा नहीं फेसबुक पे या इधर उधर, मुझे कहीं नहीं लिखिएगा, ठीक है, कहीं भी मैसेज नहीं करिएगा हमें फेसबुक पे, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, वाउच 365, अफसाने के कुर्ते और एनेक्स का केटल। अब सबसे पहले एप्पल स्टैक केक, 2-3 बड़े सेप या 4 सेप ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन द केक। अब ये जो केक है, ये मैंने 6 कप मैदा लिखा है, 6 कप मैदा वुड मीन कि मैं पूरी दोपहर में ये बस बनाती ही जाती, तो मैंने इसको आधा कर दिया है, और इसको मैं बनाऊंगी 2 साइजेस में, ठीक है। जैसे कि ऐसे सिलिकॉन के मैट्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे होते हैं, आप अगर छोटे छोटे बनाएंगे डोज, और उसको फिर एक एक के ऊपर स्टैक करेंगे, फिर क्लिंग लगा के फ्रिज में रख देंगे, वो भी बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है मेरी तरह, तो आप 2 बड़े केक्स बना दीजिए, बीच में आप ये सब कुछ डाल दीजिए। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें, सेब को मैंने छिलका उतार के सिर्फ थोड़े से पानी में बॉयल करके रख दिया था। इस स्टेप को आपको करना पड़ेगा, बिकॉज गर्म गर्म हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सेब पानी उसमें से पूरा जज्ब हो गया था, पानी मैंने एक्स्ट्रा रखा नहीं था, ये सेब मैंने डाल दिया। थोड़ा सा आपने इसमें पिसे हुए लौंग डालने, ये लौंग है, क्लोव्स, पाउडर फॉर्म में नहीं मिले तो आप घर में पीस लीजिएगा, छान लीजिएगा और उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये लौंग चले गए, ये दालचीनी का पाउडर है, यानी सिनेमन पाउडर, सिनेमन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है विथ एप्पल्स, ठीक है जी। और ये है ब्राउन शुगर, लेकिन ये ज़्यादा मैं लाई हूँ, ये ब्राउन शुगर हो गई। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे टू मेक इट नाइस एंड सॉसी। पानी है, दालचीनी का पाउडर है, सेब है थोड़े से बॉईल किए हुए, और इसमें हमने लौंग का पाउडर डाला था, एंड जस्ट ब्लेंड इट। बहुत कम पानी डालिएगा, सेब खुद ऐसे मिक्सअप हो जाएंगे। अगर आप बाहर रहते हैं, एप्पल सॉस मिलता है, एप्पल सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्पाइस अप कर दीजिएगा ये लौंग और पिसी हुई दालचीनी डाल के, ठीक है। ब्राउन शुगर है, पिसी हुई दालचीनी है, पिसे हुए लौंग है, और उसके अलावा सेब है, थोड़ा सा पानी है, बस थिक सा सॉस आपने कर दिया, ये एक तरफ रख लीजिएगा। इसको प्लीज़ सेब को उस वक्त बॉईल करने बैठिएगा नहीं, सेब को पहले बॉईल करके ठंडे करके फिर ये कर दीजिएगा, वरना क्या होगा कि आप केक पे गरम गरम ये नहीं डाल सकेंगे। चलिए, एक स्टेप हो गया हमारा, अब हम केक का बैटर बनाना है। अच्छा जी, उसके लिए मैं आपको अज्जा बता दूँ क्या क्या है जी। मक्खन है 1 कप, 1 कप, सारी चीज़ें मैंने आधी की हैं, तो 1/2 कप मक्खन है, ठीक है, और 1 कप चीनी है, 2 अदद अंडे चले जाएंगे इसमें, वेनिला एसेंस है, मैदा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, दूध है जिसके अंदर मुझे लेमन जूस डालना है, और उसको मैंने बटर मिल्क करना है। ठीक है जी, ये हो गया, और क्या है, बस फिर आइसिंग शुगर हम बाद में डालेंगे, दिस इज द आइसिंग शुगर, वील एड दिस लेटर ऑन, ऊपर से जाएगा,
ये सब कुछ हम पहले मिक्स कर देते हैं. ओके, सो मैदा है ना, उसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देते हैं. ये भी हो गया. फिर ये वेनिला एसेंस है, उसमें हम अंडों में डाल देते हैं ताकि ये भी हो जाए. और ये दूध जिसमें हमने लेमन जूस डाल के बटर मिल्क किया है, चीनी है, मक्खन. नाउ वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग आवर बैटर. मक्खन, चीनी, जैसे हमेशा केक बनाते हैं, अंडे. आई सेव अप अ बिट ऑफ एग बिकॉज पूरा मुझे अभी नहीं डालना है. फिर ये मैदा है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है. मैदे की मिकदार ज़्यादा है, डिस्क्स टाइप बनेंगे. अगर आप पूरी क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेक अहेड हैं, तो आपको ये रमज़ान में भी काम आएंगे, ठीक है, इफ्तार के टाइम पे भी, आप उसके बाद भी आपको काम आएंगी ये सारी चीज़ें जो आप बना के रख सकते हैं. ये बैटर बनाइएगा छोटे छोटे डिस्क्स में, या तो आप पेपर, एक आसान तरीका बताती हूँ मैं आपको, आप बटर पेपर लीजिए, ग्रीस प्रूफ पेपर जो मैं लाइन करती हूँ केक के टिन्स को, छोटे छोटे गोल काट दीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आपने काट दिए, ठीक है, उस पर आप एक एक चमचा, दो दो चमचे बैटर का रख के उसको बेक होने दीजिए. फिर अगर फैल जाए तो एक ही साइज़ के कर दीजिए, काट के कुकी कटर के साथ, ठीक है. फिर आप उसके ऊपर ये सेब का मिक्सचर रखें, दूसरा केक रखें, सेब का मिक्सचर रखें, दूसरा केक रखें. फिर उसको आप क्लिंग में रख के फ्रिज में रख दें. जब आप इसको खाएंगे ना तो इतना मज़े का लगेगा, वो पूरा ये जो एप्पल सॉस है, ब्राउन शुगर है, ये पूरा केक के अंदर जज्ब हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस एंड क्रीमी और बहुत मज़ेदार बनेगा. और उसको फिर आप टॉप करिएगा नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड के साथ. नोकोलाटो के बारे में बताती चलूँ कि जो लीडिंग ब्रांड है वर्ल्ड का चॉकलेट स्प्रेड का, उसमें सिर्फ 7% होता है हेज़लनट्स, इसमें 13% है. उसके अलावा ये इतना अच्छा है, इसमें बिल्कुल सेपरेट नहीं होता है तेल. दूसरे हम खोलते हैं डब्बे तो उसको टिन्स, जार्स, टब्स, उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें पूरा का पूरा मिक्स करना पड़ता है. इसमें कोई मिक्सिंग विक्सिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, बिकॉज इसमें तो वो तेल या जो भी कुछ है वो सेपरेट होता ही नहीं है. ये देखें, जस्ट लुक एट दिस, ये देखें कितना थिक एंड क्रीमी है. ओके, आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा. और इसको हम टॉप अप भी कर सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं. अगर आप इसको रख रहे हैं तो आप एक एक चमचा इसको बीच में रख दीजिएगा. अब मैं ऐसे करती हूँ, मैं हाथ रोक देती हूँ बिकॉज हमें ब्रेक की तरफ चलना है. ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम दो डिस्क या दो ऐसे केक बना के, केक के टिन के बगैर भी आप ये केक बना सकते हैं, ठीक है जी. ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे, दोनों बेक कर देंगे और ये पतले पतले होंगे तो 5 से 8 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करेंगे. फिर निकालेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर ये सॉस बीच में डालेंगे, ऊपर नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड डालेंगे. आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और ये मिक्स हो चुका है. इसमें हमने ये बटर मिल्क डालना है जो कि दूध और लेमन जूस हमने डाला था. थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, बहुत पतला नहीं करना है हमने, ठीक है. इट्स अ थिक केक बैटर, ये याद रखिएगा. इट्स लाइक अ डिस्क, जैसे आटा नहीं गूंथते हैं वैसा थिक होना चाहिए. इस तरह का केक का बैटर नहीं बनाना है हमने. अच्छा जी, विंग्स किस किस तरह बना सकते हैं जल्दी से लिखिए 888 पे. आप बहुत सारी चीज़ें हमारे शो पे आज जीत सकते हैं. अफसाने हैं उसके कुर्ते हैं, ठीक है, जो मैंने पहना है और मैं पूरा हफ्ता पहन रही हूँ. ये देखें, बहुत अच्छा कपड़ा है, आइडियल फॉर समर, और उसके बहुत अच्छे एम्बेलिशमेंट्स भी साथ देते हैं ये लोग. आप भी ज़रूर खरीदिए या फिर आप हमारे शो के थ्रू जीतिए. और डिलक्स केटल है एनिक्स की तरफ से, उसके अलावा है वाउच
365 के एप्लीकेशंस, पहले किताब होती थी, अब एप्लीकेशंस है। आपको पता है कितने अच्छे बाय वन गेट वन फ्री इसमें कूपन्स होते थे, ऑफर्स हैं, सारी चीज़ें हैं आपके लिए, तो ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए और हमारे शो के थ्रू जीतिए। फातिमा है जी लाहौर से, उनसे बात करते हैं। फाखरा सॉरी जी, हेलो 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 जी जी, कैसी हैं आप सरनक? आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए जी। मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा शो होता है और टाइमिंग चेंज हो गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी टाइमिंग आपको सूट करती है तो बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू जी। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, आज की भी बहुत अच्छी आपकी बेकिंग होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज की आपकी कुर्ती जो है ना वो जबरदस्त रहती है, वैसे भी आप जो भी शर्ट पहनती है माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। ये जीत सकती हैं आप भी जी, बताइए विंग्स किस तरह बना सकते हैं। देती हूँ जी जी, हनी गार्लिक विंग्स हैं जी, क्लासिक बफलो विंग्स हैं, क्लासिक हॉट विंग्स हैं, चिकन स्पाइसी विंग्स है, क्रंची चिकन विंग्स हैं। बस बस ठीक है, बहुत सारे विंग्स बना दिए हैं, बहुत सारे आप लोगों ने भी सीखे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा इस टाइम पे भी। टाइम से याद आया कि जब मैं सबसे पहले आई थी 8-9 साल पहले टू मसाला टीवी, तब मैंने 1 बजे का ही शो किया था, ठीक है। उसके बाद वो 1 महीने के लिए किया था मैंने, उसके बाद मैं चली गई थी शाम को 7 से 8:30 वाले स्लॉट पे, उसके बाद उसको कर दिया था 7 से 8, उसके बाद मैं दोबारा 1 बजे आ गई और अब मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने 3:30 बजे। तो टाइम से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, बहुत अच्छा टाइम होता है बिकॉज हम आपके साथ होते हैं। बस चलें जी, इसको हम डिवाइड करते हैं दो में, लिटरली डो डो ही है ये। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप तो छोटे छोटे बनाएंगे ना, टाइम जो होगा, अब हमारे पास टाइम शाइम कुछ नहीं होता है, हम इसको स्प्रेड करेंगे, फिर आप इसको काट भी सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट टूल। आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, फिर जैसे भी ये बेक हो आप इसको काटिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास केक का टिन नहीं है, आप ऐसा केक बनाइए। लग रहा है ये बड़ा है, बड़ा गोला बन गया ये, वो छोटा सा है। अभी करते हैं उसका भी हिसाब किताब। जब ये बन जाए आप एक बड़ी रिंग ले लीजिए या छुरी से आप काट लीजिए, फिर उसके ऊपर ये पूरा सॉस आएगा, उसके ऊपर ये आएगा दूसरा वाला केक, और उसके ऊपर फिर हम नकोलाटो डालेंगे। कोई सा भी आप कर सकते हैं, आप इस तरह स्ट्रॉबेरीज के साथ भी कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा केक एक मोल्ड में हो, एक शेप में हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अब जो यहाँ बच गया है ना इसमें हम ये डाल देते हैं। आई होप आपको कल का शो भी अच्छा लगा होगा जिसमें अफशाद आया था, और आप ऐसी तरह हमारे साथ रहेंगे, आगे भी हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ओवन में रख दूं और सुलेमान आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो मैं बता दूं पहले। ओके, सो नाज़रीन, इस संडे को, पिछले संडे को, इतवार को मैं गई थी रीजन प्लाजा होटल में, स्प्रिंग फेस्ट था, एक मेला था, तो इट वाज इन एड ऑफ अ स्कूल, रोशनी पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल है कयूमाबाद कोरंगी में, मैं भी वहाँ गई हूँ, मैं जाके स्कूल विजिट किया है मैंने भी, बहुत अच्छी स्कूल है। 4-5 फ्रेंड्स ने मिलके थोड़े सालों पहले, 10 साल उस स्कूल को भी हो गए हैं, थोड़े सालों पहले इन्होंने साथ मिलके एक बहुत अच्छी स्कूल बनाई थी बच्चों के लिए, फॉर ऑल द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ दैट एरिया। तो उसके एड में इन्होंने एक मेला रखा था और बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मज़ा आया, मैं भी वहाँ गई हुई थी, आप भी देखिए चल के पैकेज। आपने आई होप देखा होगा पैकेज, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, आप बच्चों को एजुकेट करें, अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर रहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अब्रॉड, यू नो, खास बाहर से आए थे ये लोग। थैंक यू टू द
management at Roshni Public School also for having me as a guest. Thank you so much to all my friends there. ये मेरे सारे दोस्त हैं और उन्होंने ये एक पेज भी सेटअप किया है आज का खाना के नाम से, जिसपे जाके मैं अपनी तस्वीरें भी रखती हूँ खानों की, और इस तरह हम सारे वी आर अ ग्रुप, वी लाइक अ बिग फैमिली. सो थैंक यू सो मच अगैन. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखें, मैंने तो वो दोनों डिस्क्स को रख दिया है अवन में. नोकोलाटो यहाँ है, ये जो एप्पल्स का सॉस हमने बनाया था वो है, आइसिंग शुगर है अगर आपको छिड़कनी हो तो, नोकोलाटो और आइसिंग शुगर और एप्पल सॉस और केक, ये सब कुछ असेंबल करेंगे, लेकिन वो केक्स ठंडे होंगे फिर, ठीक है. तब हम आके अडोबो चिकन विंग्स बनाएंगे. ब्रेक की तरफ चलते हैं. स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज, और जल्दी से एसएमएस करते रहिएगा अपने फोन से और मुझे जवाब दीजिए कि विंग्स के नाम, किस तरह हम विंग्स बनाते हैं, ठीक है. चिकन विंग्स आप अफसाने के कुर्ते जीत सकते हैं जो मैंने पहना है वैसा, और आप जीत सकते हैं वाउच 365 के एप्लीकेशन, और उसके अलावा आप जीत सकते हैं एनएक्स का केटल. स्टे ट्यून्ड. एप्पल स्टेक केक, अच्छा कटे सेब 4 से 5 अदद, ब्राउन शुगर 1 कप, पिसीदार चीनी 1 चाय का चम्मच, पिसी लौंग आधा चाय का चम्मच, मक्खन 1 कप, चीनी 2 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा 6 कप, बेकिंग पाउडर 3 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, बटर मिल्क आधा कप, आइसिंग शुगर हसबे ज़रूरत, चॉकलेट स्प्रेड हसबे ज़रूरत. तरकीब, थोड़े पानी में कटे सेब उबाल कर मैश करके चंकी सॉस बना लें. अब इसे ब्राउन शुगर, पिसीदार चीनी और पिसी लौंग में स्टर करके 10 से 15 मिनट दम दें और ठंडा कर लें. उसके बाद मक्खन और चीनी को फेंट लें, फिर इसमें एक एक करके अंडे डालकर फेंटें. अब इसमें वनीला एसेंस शामिल करके मजीद फेंट लें. उसके बाद इसमें एक दूसरे बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करके बटर मिल्क शामिल करके फेंट लें. अब डो को 8 हिस्सों में तकसीम करके डिस्क की शेप दें और बेकिंग शीट में डालकर 10 से 12 मिनट बेक करके निकाल लें. फिर एक लेयर सर्विंग प्लेट में निकालकर 2/3 कप सेब की फिलिंग डालें और दोबारा केक की लेयर बनाएं. आखिर में इसे प्लास्टिक में रैपिंग करके रेफ्रिजरेटर में रख दें और चॉकलेट स्प्रेड से ड्रिजल करके सर्व करें. जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी. और अब हम बनाने जा रहे हैं फिलिपिनो स्टाइल चिकन विंग्स. चिकन विंग्स हैं ये, ठीक है जी, इस तरह के रखे हुए हैं, आप बीच में से काट भी सकते हैं और दो में भी कर सकते हैं इसको. स्किन निकाल के हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे समाव स्किन के साथ अच्छी नहीं लगती हैं. अगर आप सिर्फ फ्राई कर रहे हों तो स्किन के साथ सही है, वरना फिर ऐसे ही मज़ेदार से. अब इसको हमें मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम झटपट करेंगे इसको. कुटी हुई काली मिर्ची हम डालेंगे इसमें, ठीक है, और लहसुन शामिल करेंगे कुटा हुआ या चॉप किया हुआ, या आप उसको पेस्ट फॉर्म में कर दीजिए. राइस विनेगर इसमें जाएगा, चावल का सिरका, ये ओरिएंटल डिशेस में, चाइनीज़ डिशेस में बहुत इस्तेमाल होता है. तिल का तेल मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ और ये में बहुत अच्छा लगता है मुझे. ये है आपका डिपिट का सोया सॉस, ठीक है जी, बेहतरीन सॉसेज हैं, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, आप भी घर लाइएगा. ओके, चिकन विंग्स हैं, राइस विनेगर चला गया इसमें, सोया सॉस डिपिट का गया, कुटी हुई काली मिर्चें, लहसुन, और हमें थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, और सब कुछ मिक्स करके आप इसको छोड़ दीजिए, सेव फॉर एटलीस्ट 2-3 आवर्स फ्रिज में. अब टाइम तो यहाँ है नहीं, हमें इसको ऐसे ही पकाने डाल देना है, कोई इसको तलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस ये आप इसको पकाइए. जब ये विंग्स पक जाएँ, समझ लीजिए आपने इसको किया मैरिनेट. जब ये विंग्स पक जाएंगी, तब एक और चीज हम बनाएंगे. हाँ, तेज पत्ता भी मैं डाल देती हूँ, बे लीफ इसी में, फिर निकाल देंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब ये पक जाएंगी, आप अवन में भी रख सकते हैं, इसको रख दीजिए एक फॉइल की डिश में या कांच की डिश में, पायरेक्स की डिश में, और ऊपर आप रख दीजिए एक फॉइल का टुकड़ा, ठीक है, और रख दीजिए अवन में, मगर इसको मैरिनेट करने का आप टाइम दीजिएगा. मैं इसको ढाँक के पका देती हूँ, बिकॉज एज यू नो कि हमारे पास यहाँ टाइम नहीं होता है कि हम मैरिनेट करने के लिए वेट करेंगे, ठीक है. फातिमा है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं. जी हेलो. हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाइए. थैंक यू. रेसिपीज
फॉलो करिएगा, बनाइएगा। रेसिपीज तो होती है अच्छी आपकी, हम लोग फॉलो करते हैं, आपको भी फॉलो करते हैं रेसिपीज के साथ साथ। क्या कह रही है फातिमा? मैंने कहा आपको भी तो फॉलो करते हैं ना, आपकी ड्रेसिंग को हम, रेसिपीज तो होती है आपकी अच्छी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू, आप 3:30 का भी टाइम फॉलो करती हैं। जी क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी, ये ग्रीन टी होती है, ग्रीन होती है और हनी एंड ब्लैक पेपर के सॉस के साथ बनाते हैं, तिरयाकी विंग्स भी बनती है तिरयाकी सॉस के साथ, और इसके अलावा बारबेक्यू भी कर सकते हैं विंग्स को, कर सकते हैं बारबेक्यू विंग्स भी बनती है, कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये है कि बारबेक्यू में अंदर से कच्ची ना रह जाए, बिकॉज़ बाज़ वक्त विंग्स गलती नहीं, पहले मैं तो थोड़ा सा स्टीम कर लेती हूं, मैरिनेट, हाँ मैरिनेट करना बहुत जरूरी है, मैरिनेट भी करते हैं थोड़ा सा स्टीम, स्टीम भी करना बहुत अच्छा, यस वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, टर्न मैंने कर दी है, अब इसको पकने दीजिए। ये एक जो था जो सेंटर शेल्फ पे मैंने रखा था, ये हो गया है, मैं यहाँ ले आऊँ कहीं दिखाने, में पहनते हैं ये जो ग्लव्स है ना। हाँ, बॉक्सिंग के ग्लव्स थोड़ी हैं ये, ये देखें ये हो गया है। अब ये अनइवन है, हर केक सांचे में नहीं बनता है, हर केक इवन नहीं होता है, इसको आपने ठंडा करना है। ठीक है, ये बहुत गर्म है, ये बहुत सॉफ्ट है, इसको आप ठंडा कर दीजिएगा। इट्स कॉल्ड अ स्टैक केक। स्टैक केक का मतलब है कि आप छोटे 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 बना के फिर जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, क्लिंग रखिए और उसमें आप रैप कर दीजिए, फिर फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे तीसरे दिन खाइए। इसीलिए ये चीज़ें आप पहले से बना सकते हैं। और ये जो है थिक सा एप्पल प्यूरे जो हमने बनाया है, ये रेडी है। इसके ऊपर आप आइसिंग शुगर डालें, बीच में आप नोकोलाटो डालें, वट एवर यू वॉन्ट। अब इन दोनों को तो मैं सैंडविच कर दूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली देर इज़ लेस टाइम ऑन द शो, तो मुझे आपको उस तरह दिखाना होता है। लेकिन इसी रेसिपी को अगर आप डबल कर देंगे, 6 कप मैदे से बनाएंगे, तो उसके आप बहुत सारे छोटे छोटे स्टैक्स बना सकते हैं। सो आई वुड लाइक के जो मेरे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, जो बहुत फॉलो करते हैं मेरी बेकिंग, अगर कोई बनाना चाहे तो इसी रेसिपी को बना के ज़रूर हमें तस्वीर भेजिएगा। ठीक है, किसी दिन कोई रिकॉर्डेड शो में टाइम होगा तो मैं आपको ये बना के भी दिखाऊंगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट टेक्स टाइम, इसलिए फिर 1 घंटे के शो में नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, बिकॉज ये अभी विंग्स ख़त्म नहीं हुई, ये तो पकने आपने डाल दिया, पानी था इसमें, लहसुन था, कुटी हुई काली मिर्चें थी, सोया सॉस था डिपिट का, उसके अलावा चावल का सिरका था और लहसुन और तेज़पत्ता, ये सब कुछ यहाँ पक रहा है। आँच बहुत तेज़ी रखिएगा, क्योंकि विंग्स बाज़ वक्त थोड़ा सा मीट टफ होता है तो वो कच्ची रह जाएंगी। अब आपने सब चीज़ें मिक्स कर देनी है, सो एक बोल ले लेते हैं यहाँ से हम, और इसमें हम चीज़ें डालते हैं। चीज़ें क्या क्या हैं? अच्छा मेयोनीज़ है, क्रीम है, और ये छोटे से बेबी ग्रेटर, आज वो जेस्टर भूल गई तो इससे आप कर सकते हैं, जेस्टर ही समझ लीजिए ना इसको भी। हो गया, अब इसमें जो लेमन था ये थोड़ा सा लेमन जूस आप डाल दीजिए, अच्छा अब ये है लहसुन का पाउडर, मिलता है आपको हमारा वो है लोकल प्रोडक्ट है लहसुन का पाउडर, और अदरक का पाउडर यानी सौंठ, ये बहुत सारा है, इतना सारा नहीं जाएगा, ठीक है थोड़ा सा, ये बहुत स्ट्रांग होता है, और इसको आप मिक्स करिए। इसमें हम क्या डालेंगे, और नमक डालेंगे थोड़ा सा, मेयोनीज़ भी नमकीन होती है, बहुत सारा नमक नहीं डाल दीजिएगा, और सोया सॉस ऑलरेडी है डिपिट का इन द विंग्स, सो डोंट मेक इट टू सॉल्टी ऑल्सो। अच्छा जी, मेयोनीज़, सा क्रीम, और आप इसमें लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, नमक डाल चुके हैं, लेमन का जूस डाल चुके हैं, लेमन का छिलका डाल चुके हैं, इसके अलावा आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि मैं फिर ऊपर के लिए भी बचाना चाह रही हूँ। ये आपकी मज़ेदार सी एक डिप या मेयोनीज़ हो गई। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज।
जी वेलकम बैक। हम इस डिप को यहाँ रख देते हैं, फिर मैं आपको रीकैप भी कर दूँ कि मैंने किस तरह बनाया था। मेयोनीज क्रीम और उसके अंदर लेमन जूस, लहसुन का पाउडर, और मैंने उसमें डाला है अदरक का पाउडर, और थोड़ी सा नमक डालना चाहें नमक डाल दीजिएगा। उसके अलावा क्या था, भूल गई। हाँ नहीं नहीं मेयोनीज था, साग क्रीम था, लेमन जूस था, ठीक है, हरा धनिया था, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, नमक था और लेमन का छिलका था। सब कुछ मिक्स करके आपने यहाँ रख दिया, थोड़ा सा हरा हरा। और इसके बाद हम ये आप सोचेंगे लाल मिर्चें झाड़नक डालना भूल गई, नहीं भूली नहीं हूँ। लाल मिर्चें पता है किसमें जाएंगी, सेब। इसके साथ एक सेब सर्व होता है, लाल मिर्चें, नमक और लेमन जूस डाला हुआ। अब आप सोचिए, ये है मेरी रेसिपी नहीं, फिलिपिनो रेसिपी है, फिलीपींस की रेसिपी है, ठीक है। और ये है अडोबो चिकन विंग्स, समथिंग डिफरेंट, अलग अलग कुछ ना कुछ सीखा करें। अब देखें ये जो है मज़ेदार सा विंग्स का प्रेपरेशन, ये देखें मैंने कोई ज़्यादा पानी वानी नहीं डाला है। अब मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, इसको हम फिर भी होने देते हैं, अभी इसको नहीं निकालते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं, बस हमें सिर्फ निकालना है और सेफ रख देना है। ये इसको देख लीजिए प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई एम रियली ईगर टू डू, लेकिन अभी ये गर्म है तो मैं क्या करूँ। टूट नहीं जाना प्लीज़, टूटना नहीं, ठीक है। इसके ऊपर हम डालेंगे ये और वो जो कि क्या है, ये है एप्पल सॉस, वो है नोकुलाटो, ये देखें पूरा आपने स्प्रेड करना है। इसको आप जितना ठंडा करेंगे ना उतना ही मज़ेदार ये बनेगा। सो देयर्स वन ऑफ दिस। अब हम इसके ऊपर ये रख देते हैं, ये अभी गर्म है, व्हाट टू डू। अब आप लेंगे, कहाँ गई छन्नी, आइसिंग शुगर छिड़केंगे हम, और हम डालेंगे इस पे नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड, मज़ेदार सा, बहुत अच्छा है, इट्स अ लवली चॉकलेट स्प्रेड। आप भी ज़रूर बनाइए ये वाली रेसिपी और देखिए कितना मज़े का ये बनता है डिज़र्ट। ऐसे करके पता है क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ, इसको मुझे स्प्रेड करना है, वॉर्म है ना, ये खुद ब खुद स्प्रेड होगा। या आप लीजिए एक पैलेट नाइफ या छुरी या बटर नाइफ, दिस इज वॉर्म, आप लोग इसको ठंडा करके करिएगा। को पता है ना हमें लाइव शो पे कोई ना कोई जुगाड़ करना होता है, तो हमें आपको ये सब कुछ कंप्लीट करके दिखाना होता है। और अब हम लेंगे थोड़ी सी आइसिंग शुगर, उसको हम ऐसे करके छिड़क देंगे, ठीक है जी। ज़रूर बनाइएगा रेसिपी, ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अब हम हिना है कराची से जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए। आप बड़े मजे मजे की चीजें बना रही हैं आजकल। अच्छा जी, तो आप ट्राई कर रही हैं मजे मजे की कोई चीज। जी अभी असल में मेरे पास ओवन नहीं है ना, इसलिए मैं केक वगैरह अगर बनाती हूँ ना तो सिर्फ भगोने में बना लेती। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे खानों की रेसिपीज मेरी ट्राई किया करें, मैं रोज खाने भी तो बनाती हूँ ना। हाँ वो आप जो विंग्स वगैरह बनाती है ना, वो मेरे चिकन विंग्स वगैरह ट्राई कर लेती। ठीक है, थैंक यू। अभी है नहीं ना, जवाब दे दीजिए, कुछ जीतना है तो जवाब दे दीजिए। जवाब देना चाहूंगी जी, आपने चिकन विंग्स बनाए थे, हनी विंग्स बनाए आपने, ठीक है, और जी 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 सोचें सोचें, रेसिपी याद रहती है क्या मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा चलिए सेब को देख लीजिए मुझे क्या करना है।
सोच के मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक सेब कटा हुआ, उसमें आपने लेमन जूस डाल दिया, थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। आप सोचेंगे जरनक को क्या हो गया है, बट दिस इज़ नॉट माई स्टाइल, इट इज़ अ फिलिपिनो स्टाइल ऑफ मेकिंग विंग्स। अब आप खाएंगे जब ये डिप के साथ, ये सेब और ये मज़ेदार से विंग्स, उप्स, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर इसको मैं पहले हाथ धो दूँ, इससे पहले कि मेरे हाथ कहीं लग जाए मुँह में, आँख में। लाल मिर्चें हैं और फिर हम विंग्स निकाल देते हैं। रेसिपी रिकैप का वक्त भी हुआ चाहता है, मैं विंग्स को निकालती हूँ, उसके ऊपर हम सेब रख देते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। Adobo wings, add sa chicken wings, 1/2 kilo rice vinegar, 3/4 cup soya sauce, 3/4 cup sabit kali mirch, 1/2 chai ka chamcha kuta lehsun, 8 jawe tezpatte 2 adad, pani 1/4 cup mayonnaise, 1/2 cup sour cream, 1/2 cup kata hara dhaniya, 1/4 cup garlic powder, 1/2 chai ka chamcha ginger powder, 1/2 chai ka chamcha namak, 3/4 chai ka chamcha kaddu kash lemon zest 1 adad, lemon ka ras 1 khane ka chamcha, pisi lal mirch 1/2 chai ka chamcha, sab sliced 1 adad, rice vinegar 1 khane ka chamcha, tarkeeb। एक बोल में चिकन विंग्स, राइस विनीगर, सोया सॉस, साबित काली मिर्च, कुटा लहसुन, तेज पत्ते और 1/4 कप पानी डालें और टोस्ट करके 30 मिनट रेफ्रिजरेटर में रखें। अब विंग्स को पकाएं या ओवन में बेक कर लें। फिर बाकी बचे कुकिंग लिक्विड में 1 खाने का चम्मच राइस विनीगर, मेयोनीज, सार क्रीम, कटहरा धनिया, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, नमक और कद्दूकश लेमन जेस्ट शामिल करके रेफ्रिजरेट कर लें। उसके बाद नमक, लींबू का रस और पिसी लाल मिर्च मिक्स करके स्लाइस्ड सेब में मिला दें। आखिर में चिकन विंग्स को स्लाइस्ड किए हुए सेब और मेयोनीज के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं यहाँ हाजिर हूँ विद एवरीथिंग इज़ रेडी। एप्पल स्टैक केक मैंने बना दिया है, चूँकि मैंने इस तरह बनाया है आप उसको फ़ौरन सर्व कर देंगे, आप इस केक को रखेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको रात को सर्व करना है डिनर के लिए, आप दो बिस्किट्स, ये दो केक्स बना के रखिए, बीच में का बना के रखिए और फिर उसको असेंबल करके फ़ौरन सर्व कर दीजिए चिल करके। अगर आपको रखना है तो आप छोटे छोटे केक्स बना के एक एक चमचा बेक कर दीजिए, ठीक है। फिर उसको जोड़ दीजिए इस एप्पल के मिक्सचर के साथ और थोड़ा सा बीच में डाल दीजिएगा नोकोलाट और चॉकलेट स्प्रेड भी, और फिर उसको चिल कर दीजिएगा, लेकिन आप रैप कर दीजिएगा क्लिंग फिल्म में, फिर चिल करिएगा, निकालिएगा और खाइएगा और मज़ेदार सा। फिर ठंडा केक आप सर्व कर सकते हैं क्रीम के साथ, कस्टर्ड के साथ, आइसक्रीम के साथ। और मैंने जो फिलिपिनो स्टाइल चिकन विंग्स यानी अडोबो चिकन विंग्स बनाना आपको सिखाया है वो भी रेडी है। डिप बहुत मज़ेदार है, एप्पल्स भी इतने अच्छे लग रहे हैं, तीखा भी, खट्टा भी और एप्पल का टेस्ट भी है। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपीज़। डिपिट का सॉस हमने उसमें डाला था, सोया सॉस, ठीक है। और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा प्लीज़। और आज मैं बताती हूँ कि लज्जत पे समीना हमारे शो के बाद जो 5 बजे लाइव शो उनका आता है क्या बनाने जा रही हैं। चपड़ी कबाब रोल है, मलाई बोटी हांडी है, चने की दाल लौकी है। और इनिक्स का गिफ्ट जो है वो नाहिद ने जीता है हैदराबाद से, मुस्कान ने वाउच 365 का गिफ्ट जीता है लाहौर से, फरहत ने गुजरात से, ठीक है। दो थे वाउच के गिफ्ट्स। अफसाने के कुर्ते कहाँ गए हैं जी, झेलम अनाया को, नारायण दास कराची, हानिया इस्लामाबाद, सबको मुबारक हो। आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, अब तक आपकी गिफ्ट्स पहुंचा दी जाएंगी, देर सवेर हो जाती है लेकिन गिफ्ट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जब कॉल आए तो उठाइएगा, एड्रेस दीजिएगा, डिटेल्स दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। कल मुलाकात होगी विद लवली रेसिपीज़ दोपहर में 3:30 से 4:30 मेरा शो लाइव है, सुबह 8 से 9 रिपीट होता है और रात में 1 बजे भी रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।